सबसे दूर खबरों से भरपूर। आस्किंग फॉर कंफर्मेशन ऑफ एंटीसिडेंट्स ऑफ EMCC इंटरनेशनल एंड दिस रिप्लाई हैज कम ओनली ऑन 17th March 2021 व्हिच आई एम रिलीजिंग टू यू। दिस इज द रिप्लाई इन पार्लियामेंट नाउ एंड सम ऑफ यू मे हैव सीन इट एंड द रिप्लाई सेज टू थिंग्स। Kerala government wrote to Modi government, we want EMCC International here and please verify its antecedents. केरला में नई विधानसभा के गठन के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 में श्रद्धालुओं के साथ सबरीमाला में जो कुछ हुआ है वो उसे आज तक नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि इसका केरला की LDF सरकार से लोग विधानसभा चुनाव में हिसाब जरूर लेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटका के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए LDF की परिभाषा की। उन्होंने कहा कि LDF का मतलब लोवेस्ट डेवलपमेंट और हाईएस्ट फ्रॉड है। उन्होंने पिनरई विजयन पर पलटवार करते हुए कहा कि कैप्टन का मतलब कैप्टन ऑफ क्राइम करप्शन एंड क्लस रूल हो गया है। उन्होंने कहा कि केरला कल्चर रिच ट्रेडिशन और हारमोनी के लिए जाना जाता है लेकिन केरला की रिवायात को यहाँ की LDF सरकार ने तहस नहस कर दिया है। उन्होंने LDF सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सोने से समंदर तक सब जगह भ्रष्टाचार है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा मोदी बताया वहीं राज्य के मुख्यमंत्री को छोटा मोदी भी बताया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मछुआरों के साथ केरला की LDF सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने BJP और LDF में मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ विजयन कहते हैं कि अमित शाह एयरपोर्ट के इंचार्ज हैं तो अमित शाह की ओर से कहा जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग हुई है लेकिन आज तक विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर यही काम गैर BJP शासित राज्यों में होता तो अमित शाह मुख्यमंत्री को हटाने में देर नहीं लगाते और पूरी तरह से CBI, ED और तमाम एजेंसियां लगा दी जाती। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी की मेहरबानी से विजयन सत्ता में हैं। BJP पर बांटो और राज करो की पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कभी मोदी मॉडल के नाम पर मजहब की बुनियाद पर, कभी तबके की बुनियाद पर, कभी इलाके की बुनियाद पर, कभी कल्चर की बुनियाद पर, कभी ट्रेडिशन और रिवायात की बुनियाद पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में लोगों को बांटने का काम हो रहा है वो बहुत ही दुखद और अफसोसनाक है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को जात पात मजहब से ऊपर उठ करके संविधान की बुनियाद पर एक रखने की वकालत कर रही है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी धरोहर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि आज केरला को UDF की जरूरत है जिसका अर्थ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ केरला है। उन्होंने दावा किया कि हम सत्ता में आने के बाद न्याय जैसी बड़ी योजना केरलावासियों के लिए लागू करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मछुआरों के संबंध में अमेरिकी कंपनी के साथ साइन किए गए MOU पर विजयन सरकार पर वार करते हुए कहा कि विजयन सरकार पहले इसे धोखा बता रही थी और विजयन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि गुमराह किया जा रहा है लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि विजयन सरकार ने MOU मछुआरों के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए साइन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस MOU को आनन फानन मंजूरी दी गई उससे जाहिर है कि केंद्र और राज्य की केरला सरकार में मिली भगत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विजयन सरकार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाएं हों या फिर बच्चे, उनके साथ जिस तरह का केरला में व्यवहार हो रहा है वो दुखद और निंदनीय है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि बूढ़ी महिलाओं के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार केरला में हुआ है वो कहीं और नहीं हो रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। वतन समाचार को डोनेट भी करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें।